राठौर समाज की प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्था अखिल भारतीय राठौर क्षेत्रीय महासभा के 3 वर्षीय चुनाव इंदौर के राठौर मांगलिक भवन अंतिम चौराहा पर सर्वसम्मति से संपन्न हुए। इस दौरान ग्वालियर निवासी पुरुषोत्तम सिंह राठौर को अध्यक्ष और इंदौर के लोकप्रिय समाज सेवी राजकुमार राठौर को महामंत्री घोषित किया गया। रविवार 16 अप्रैल 2023 को इंदौर शहर के अंतिम चौराहा स्थित श्री राठौर समाज मांगलिक भवन पर एक अलग ही नजारा था। हजारों समाज बंधुओं की उपस्थिति में यहां पर समाज की राष्ट्रीय संस्था अखिल भारतीय राठौर क्षेत्रीय महासभा के चुनाव कराए जा रहे थे। निर्वाचन के एक दिन पहले 15 अप्रैल को नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। नामांकन प्रक्रिया शुरू की गई थी जिसमें पूरे भारतवर्ष के समाज सेवी और सदस्यगण शामिल हुए थे। यहाँ शामिल सदस्यों में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हरियाणा, उड़ीसा, गुजरात, पश्चिम बंगाल एवं दिल्ली से आए सदस्यों ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए थे। तय कार्यक्रम के अनुसार 16 अप्रैल को अखिल भारतीय राठौर क्षेत्रीय महासभा के निर्वाचन संपन्न किए जाने थे, लिहाजा सुबह से ही यहां पर काफी सौहार्दपूर्ण वातावरण व्याप्त हो चुका था। मुख्य चुनाव अधिकारी अभिभाषक लोकेंद्र सिंह राठौर ने चुनाव प्रक्रिया आरंभ की, लेकिन समाज बंधुओं के आपसी प्रेम और सौहार्दपूर्ण वातावरण के कारण यहां मतदान की नौबत आई ही नहीं। सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से समाज विकास और उत्थान की बात कहते हुए किसी भी पदाधिकारी के खिलाफ कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं किया, लिहाजा निर्वाचन पदाधिकारियों की टीम ने दोपहर बाद अपनी घोषणा कर दी। निर्वाचन अधिकारी के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार महासभा के अध्यक्ष पद पर ग्वालियर निवासी इंजीनियर पुरुषोत्तम सिंह राठौर को सर्वसम्मति से अध्यक्ष और इंदौर के लोकप्रिय समाज सेवी राजकुमार राठौर को महामंत्री घोषित कर दिया गया। घोषणा होते ही मंच पर पदाधिकारियों के स्वागत की मानो होड़ सी लग गई थी। काफी देर तक स्वागत की बेला चलती रही। अरे प्रेम जी इस दौरान अन्य पदाधिकारियों में कोषाध्यक्ष के पद पर दिनेश राठौर, जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय महामंत्री राम सेवक निवासी ग्वालियर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक राठौर निवासी उज्जैन के अलावा संगठन मंत्री के पद पर नरेश सिंह राठौर मेहगांव भिंड की घोषणा की गई। वहीं उपाध्यक्ष के लिए 2 पद घोषित किए गए जिनमें सुनील कुमार राठौर भरूच गुजरात और डॉक्टर राम लखन राठौर निवासी कैलारस मुरैना के नाम घोषित किए गए। वहीं शिक्षा एवं सांस्कृतिक मंत्री रणवीर सिंह राठौर दिल्ली को घोषित किया गया। सह कोषाध्यक्ष के पद पर सुनील राठौर देवास कार्यालय मंत्री के रूप में महेश पंचोली इंदौर को नियुक्त किया गया। घोषित किए गए सभी पदाधिकारियों को समाज बंधुओं की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी गई। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए अखिल भारतीय राठौर क्षेत्रीय महासभा के अध्यक्ष पुरुषोत्तम सिंह राठौर और महामंत्री राजकुमार राठौर ने बताया कि समाज उत्थान और विकास के लिए काफी योजनाएं बनाई गई हैं। समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्र में भी महासभा अपना पूरा पूरा योगदान देगी। महिलाओं को प्रशिक्षण के साथ ही रोजगार से लगाने के लिए भी योजनाएं तैयार की गई है। अखिल भारतीय राठौर क्षेत्रीय समाज में ये आज बहुत महत्वपूर्ण क्षण है कि हम लोगों ने अभी जो 10 साल से जो चल रहा था, 7 साल से वो जो गलत तरीके से चल रहे थे, तो एक बढ़िया तरीके से निर्वाचन हुआ जिसमें सभी लोगों को मौका दिया गया कि कौन आके खड़ा हो। वो खड़े हुए लोग और 11 लोग चुने गए और समाज में हम जो 30 वर्षों में नहीं हुआ, जैसे भाई ने बताया, हमारे राजकुमार भाई साहब ने, महामंत्री जी ने, तो उसको हम करना चाहेंगे। 3 साल में 3 सामूहिक विवाह समारोह, 3 परिचय सम्मेलन और भी कई काम करेंगे हम, और राजनीतिक क्षेत्र में भी आगे जाने का प्रयास करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में क्या करना चाहेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में हम चाहेंगे कि कोई एक हॉस्टल बने और उन बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं, उनको रहने का स्थान बने, वो आके वहाँ रुकें और वहाँ मतलब उनके लिए व्यवस्था करेंगे हम लोग।
मेरे बच्चों के लिए। हमारी जो अखिल भारतीय राठौर छतरी महासभा जिसके कि आज चुनाव यहाँ पे निर्धारित थे, ये चुनाव पिछली बार 2016 में हुए थे। 2016 के बाद 2019 में चुनाव होना थे, पर जो पुरानी जो कार्यकारिणी है उन्होंने उस चुनाव को नियमित नहीं करवाया और पूरे समाज ने मिलकर के आज इस चुनाव को यहाँ पर संपन्न करवाया। सबसे बड़ी बात ये रही कि इसमें जो 11 पदाधिकारी है, 11 पदाधिकारी को सब लोगों ने निर्विरोध निर्वाचित किया। उसका कारण ये रहा कि जो 11 लोग है, ये 11 ही पदाधिकारी पूरे तन मन और धन से पूरे 6 महीने से लगातार समाज के बीच में रह करके, समाज के लोगों को बुला करके और समाज के लिए एक निर्बाधित रूप से जो कार्य कर रहे थे, उस कार्य के रूप में आज ये मिला कि जो 11 लोग थे, स्थितियाँ ये थी हमारे यहाँ कि कोई भी आदमी पद लेना नहीं चाहता था, हर आदमी काम करना चाहता था। हमको ये पद, हमने ना तो चुनाव लड़ने की मंशा थी ना चुनाव में आने की मंशा थी, पर समाज ने कहा कि आप जिस तरीके समाज को यहाँ पर लेकर जा रहे हैं आपको इसमें पद लेना ही पड़ेगा, और मात्र 11 लोगों को इसके अंदर पद दिया और इसके विरोध में एक भी व्यक्ति नहीं आया। ये समाज की एकता का परिचायक है, ये समाज का हमारे पर विश्वास का परिचायक है और निश्चित रूप से जो समाज ने हमारे पर निर्विरोध चुनकर जो विश्वास जताया, तो हम हमारी पूरी महासभा के जो 11 पदाधिकारी हैं उनके तरफ से विश्वास दिलाते हैं कि हम इस 3 साल के कार्यकाल के अंदर समाज को वो करके दिखाएंगे जो पिछले 30 वर्षों में नहीं हुआ है। महासभा से हमारे पास अभी 1687 लोगों की सूची अभी जाहिर करी चुनाव समिति ने।